हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि एक्चुअली सालवेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू एंड बुक वैल्यू, ये तीनों जो टर्म होते हैं सीपीएम एंड पर टर्म पढ़े जाते हैं, इसका एक सिंपल डेफिनेशन क्या होता है और काफ़ी आसान भाषा में आप कैसे इसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सालवेज वैल्यू क्या होता है। सालवेज वैल्यू को हम लोग दूसरे एक्चुअली नेम से भी बोल सकते हैं, रीसेल वैल्यू भी हम लोग बोलते हैं सालवेज वैल्यू को। तो इसका एक सिंपल मीनिंग यही होता है कि अगर हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है और अगर उसका कोई यूटिलिटी कहने का मतलब, अगर उसका कोई एज बचा हुआ है, फर्दर अगर हम उसको यूज कर सकते हैं तो उसको हम लोग सालवेज वैल्यू बोलते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारे पास अगर कोई स्मार्टफोन है अगर उसको आप कहीं सेकेंड हैंड जो स्मार्टफोन है आप किसी और को भी बेच रहे हैं, तो एक्चुअली स्मार्टफोन जब किसी को आप सेल किए तो कहने का सेंस यही हुआ कि उस स्मार्टफोन का जो है कुछ जो है यूटिलिटी जो है बचा हुआ है। इसीलिए दूसरा जो कस्टमर है या दूसरा जो आपसे जो परचेज किया है वो आपसे परचेज किया है, अगर उसका अगर यूटिलिटी नहीं रहता तो वो परचेज नहीं कर सकता था। तो सालवेज वाली ये होता है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट का अगर फर्दर यूटिलिटी अगर बचा हुआ है, उसका लाइफ बचा हुआ है, तो हम लोग उसको सालवेज वैल्यू बोलते हैं। दूसरा देखते हैं स्क्रैप वैल्यू क्या होता है। स्क्रैप वैल्यू का कहने का मतलब यही होता है कि उसका यूटिलिटी कुछ भी बचा नहीं हुआ नहीं है, जो आपके पास प्रोडक्ट था उसका जितना भी लाइफ था आपने उसका यूज कर चुका है। जैसे हमारे पास कोई स्मार्टफोन था, अगर वो खराब हो गया किसी कारणवश तो उसको हम आगे किसी को सेल नहीं कर सकते हैं या कोई दूसरा कस्टमर जो है इस प्रोडक्ट को नहीं ले सकता है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू क्या है, कहने का सिंपल मीनिंग है जंक आइटम जो होता है उसके माध्यम से आप उसको बेच सकते हैं, तो जंक के माध्यम से वो बिक सकता है स्क्रैप अगर वैल्यू वही होता है। आगे देखते हैं बुक वैल्यू भी होता है। बुक वैल्यू का यही होता है डेफिनेशन, प्रॉपर्टी हमारे पास जो है उसमें क्या है, कोई हमारे पास एक अकाउंट बुक होता है और उस पार्टिकुलर ईयर में जो है उस प्रॉपर्टी का क्या एक्चुअली प्राइस वगैरह जो है होता होगा उसका मेंशन किया रहता है। तो इसका यही होता है वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी शोन इन द अकाउंट बुक इन दैट पार्टिकुलर ईयर, उस पार्टिकुलर ईयर में जो है उस प्रोडक्ट का जो है एक्चुअली क्या प्राइस था। तो इसका कहने का ये भी होता है कि ओरिजिनल कॉस्ट जो रहेगा उस प्रोडक्ट का लेस होगा टोटल जो डेप्रिसिएशन होगा उस साल का टिल दैट ईयर। तो ये होता है बुक वैल्यू। तो आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से जो है आपको सालवेज वैल्यू, उसके बाद स्क्रैप वैल्यू और बुक वैल्यू के बारे में डिटेल में जो है समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ा भी अगर वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लाइक सब्सक्राइब और करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।